told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. तो भाई सबसे पहले आप सबने मेरे तब तक राम राम, आई होप सब ठीक हो भाई, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज की जो वीडियो भाई बहुत स्पेशल होने वाली है, बहुत खतरनाक वीडियो होने वाली है, क्योंकि जो जो भाई बाइक के शौकीन है और जो अपना शौक जो पूरा नहीं कर पाते, तो भाई आप सबको बताइए, मेरे पास है अपाचे 164 भी, ब्लैक कलर की बाइक है मेरी और इसके ऊपर मैंने बहुत सारी राइड कर रखी है भाई, जैसे लद्दाख की होगी, विंटर स्पीति होगी और उत्तराखंड, बहुत सारी राइड मैंने इसके ऊपर कर रखी है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो भाई, बहुत खतरनाक खतरनाक वीडियो है। और विंटर स्पीति किया था मैंने इसके ऊपर, तो भाई वहाँ पे तो बहुत बड़ा स्कैम हुआ था मेरे साथ में, वो आप जाके अपना वीडियो के अंदर देख सकते हो। और ये बाइक आज से मेरी नहीं है, आज से ये बाइक आपकी, और कैसे क्या कुछ है क्या सीन है वो सारा आपको वीडियो में पता लग जाएगा, तो वीडियो को पूरी देखियो, वीडियो स्किप मत करियो। तो भाई सीन है कुछ ऐसा कि 6-7 महीने पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी और उसके बाद मैंने जॉब दोबारा से कोई नहीं करी है, ना मेरा मूड है यार कोई जॉब करने का, क्योंकि मैं उस टाइप का बंदा नहीं है, मेरे को ना जॉब करनी अच्छी नहीं लगती, वो मजबूरी हो जाती है भाई, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है, ऐसे ज़िंदगी तो निकलेगी नहीं। पर मेरा यार मैं सोच रहा हूँ कुछ और कर लूँ, और अभी ऐसे तो लाइफ भाई निकाल नहीं सकता मैं ऐसे घर बैठ के, तो मैं सोच रहा हूँ जो जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं उससे मैं थोड़ी बहुत पार्ट टाइम जैसे कुछ भी अर्निंग कर पाऊँ, तो वो चीज़ मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। तो ये वीडियो भी उस टाइप में होने वाली है भाई, जो जो मेरे पास में चीज़ें हैं जैसे मेरी बाइक है और कुछ है, तो इनसे छोटी मोटी अर्निंग जो मैं कर पाऊँ जिससे मेरा ना अपना अपना खर्चा जो निकल जाए, तो इस तरीके से मैं कुछ प्लान करने की सोच रहा हूँ। तो इस वीडियो में भी इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और जो जो भाई हैं जिनको बाइक का शौक है या फिर ये बाइक जो मेरे पीछे खड़ी है अपाचे 164V जिसकी ड्रीम बाइक है और वो इसको परचेज नहीं कर सकता, तो कैसे वो इस चीज़ को अपना शौक जो पूरा कर सकता भाई, तो ये सब बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो भाई ये है मेरी बाइक जिसको मैं रेंट पे देने की सोच रहा हूँ, रेंट पे लगाने की सोच रहा हूँ। अगर कोई भी बंदा भाई जिसको ट्रैवल करना है या फिर राइड पे जाना है या फिर कोई नई बाइक ले रहा है उसके लिए टेस्ट ड्राइव वगैरह कुछ लेनी है, क्योंकि बहुत सारे शोरूम होते हैं जो टेस्ट ड्राइव वगैरह नहीं देते हैं, तो वो चीज़ क्या क्या दिक्कत मेरे को आई सारी चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ इसके बारे में। और आपको राइड वगैरह पर कहीं पर जाना है तो उस चीज़ के लिए भी आप इसको हायर कर सकते हो। एक बार कंडीशन दिखाता हूँ बाइक की, तो इसमें मैंने अपने क्रैश गार्ड भी लगा रखे हैं, ये यहाँ पे डब्बी USD फोक्स की, जो भाई बहुत सेक्सी लुक देती है बाइक को। पीछे मैंने ट्रैवल करने के लिए इसका भाई पूरा सिस्टम बनवा रखा है वो, जिससे आप अपना सामान बाइक में रख सकते हो, क्या बोलते हो उसको, क्रैश गार्ड, तो वो हो गया अगला, जो आप सेडल बैग वगैरह लगाते हो उसके लिए जो वो फ्रेम वगैरह कुछ लगता ना, वो सारी चीज़ मैंने इसमें लगवा रखी है। उसमें आपको सेडल बैग की ज़रूरत नहीं है, अपना बस जो आपका नॉर्मल बैग है वो लगाओ और अपना सामान रख के और अपना चलो। तो भाई ये है बाइक की कंडीशन, पीछे टायर वगैरह की ओके कंडीशन है सारी, सर्विस भी भाई अभी मैंने करवाई है रिसेंटली इसमें। तो अब बात कर लेते हैं कैसे ये बाइक भाई आपकी हो सकती है, उसके लिए आपको क्या करना है। उसके लिए आपको सिंपली इंस्टाग्राम पे जाके, आईडी आपको मेंशन हो रही होगी, आपको इंस्टाग्राम पे जाके सीधा मेरे को मैसेज करना है, जो प्राइसेस वगैरह जो भी कुछ होगा वो आपको वहाँ पे मैं बता दूँ। बहुत रीजनेबल प्राइस में भाई आपको ये बाइक रेंट पे मिल जाएगी और बहुत अच्छी कंडीशन है, कोई बाइक में दिक्कत है नहीं, और इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि यार मैं सोच रहा हूँ थोड़ा पार्ट टाइम कुछ अर्निंग मेरे को हो जाए जिससे मैं अपना खर्चा निकाल सकूँ, और कोई इसका अलग रीज़न है नहीं। और बाइक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई, जो भी बंदा मेरे को मैसेज करता है भाई मैं सबके रिप्लाई कर देता हूँ वहाँ पे, कोई ऐसी बात है नहीं। और इससे अलावा अगर आपको ट्रैवल पे कहीं जाना, कहीं की राइड प्लान कर रहे हो आप और आपको समझ नहीं आ रहा भाई कैसे राइड प्लान करें क्या कुछ करें, और कैंपिंग वगैरह अगर आप करना चाहते हो और आपके लिए उसके लिए आपको टेंट वगैरह अगर कुछ चाहिए तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ भाई रेंट पे। मेरे पास 3% का टेंट है, 2 टेंट है, स्लीपिंग बैग वगैरह भी है, मैट वगैरह सब कुछ है मेरे पास में। कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए ना ट्रैवल से रिलेटेड, या फिर आपको प्लान बनाना आपको समझ में नहीं रहा कैसे क्या बनाएं क्या कुछ करें, कहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं, कहाँ पे रुकें, होटल वगैरह, हर चीज़ की आपको जानकारी अगर चाहिए तो वो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, वो सब भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ भाई। जब हम कहीं पर ट्रैवल करते हैं ना, जैसे हम कहीं पे मनाली लद्दाख घूमने चले गए और हमारा मूड है भाई बाइक से ट्रैवल करना, हमारे पास बाइक नहीं है और हम वहाँ से रेंट पे बाइक लेते हैं, तो भाई वहाँ पे जो बाइक की कंडीशन होती है बहुत बेकार होती है, और 1500 से 2000 रुपये के बीच में आपको ये सारी बाइकें मिलेंगी, और जिनकी कंडीशन भाई बहुत बेकार है, और जब आप उसको रिटर्न करने जाते हो तो जो जो उसमें दिक्कत है और जो जो प्रॉब्लम आती है उसमें, वो सारी चीज़ आपको उस टाइम में पता नहीं होता है, तो उन चीज़ों के लिए भी आपको अलग से पे करना पड़ता है, और जो भाई बहुत कॉस्टली पड़ता हो। तो मेरी जो बाइक है ये अपाचे 164V, तो भाई इसको मैं बहुत है ना एक रीज़नेबल प्राइस में देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को ये नहीं भाई कि एक ही बार में सब कुछ कर लूँ, सारा पैसा आ जाए मेरे पास और मैं लखपति करोड़पति बन जाऊँ, मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है, मेरा ये भाई मेरा खर्चा जो होता है वो निकल जाए, तो बहुत अच्छे प्राइस में मैं आपको ये बाइक दूंगा। और अगर आपको ये
पता करना है क्या प्राइस वगैरह जो भी कुछ है, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ उसको। और जिस भाई को ना लेनी हो ना बाइक रेंट पे, तो वही मैसेज करे यार, अगर टेंट वगैरह, कैंपिंग का, स्लीपिंग वगैरह कुछ भी आपको चाहिए हो, तो वही बंदा मैसेज करे भाई जिसको सच में वो चीज़ चाहिए। बिना बात के यार परेशान मत करना कोई भी, वैसे ही मतलब सवाद लेने के चक्कर में और लग जाए मैसेज, तो ऐसा तो करना मत। और बाइक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वायरी है, कुछ पूछना है, या फिर किसी ट्रिप से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है कैसे क्या करें, तो वो चीज़ बता देना, मैसेज कर देना, वो चीज़ मैं आपको बता दूँगा। तो भाई यही था इस वीडियो में, आपको यही इन्फॉर्म करना था भाई कि मैं अपनी जो बाइक है और जो जो चीज़ मेरे पास में उनको सोच रहा हूँ कि रेंट पे मैं देके थोड़ी अर्निंग कर लूँ। जैसे कि मेरे पास GoPro Hero 10 है, अगर किसी को मोटो व्लॉगिंग के लिए कैमरा वगैरह भी कुछ चाहिए, और एक और कैमरा मेरे पास SJ Cam Legend 6, तो दो कैमरे मेरे पास, अगर वो भी आपको चाहिए रेंट पे, तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दियो, शेयर तो कोई करता है नहीं क्योंकि हम भी नहीं करते भाई, किसी को बोलता तो, मगर आप चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, और शेयर नहीं कर रहे तो भाई कम से कम लाइक कर देना, ताकि जो वीडियो की रीच है वो थोड़ी बढ़ जाए और मेरी थोड़ी हेल्प हो जाए, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। और अगर आपकी कोई क्वारी या कुछ विचार हैं आपके, तो वो कमेंट में आप बता सकते हो मेरे को, उसका मैं रिप्लाई भाई ज़रूर करता हूँ। धन्यवाद।